हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? हमने अभी तक आपको एमबी के काफ़ी सारे सेट सॉल्व करा दिए हैं और काफ़ी सारे सेट सॉल्व करवाने भी हैं। तो उसी सीरीज पे आज हम एमबी की बुक को आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं आज सेट नंबर 36 पर। यस, कल हम लोगों ने 34 और 35 सेट आपको सॉल्व कराया, आज 36 सेट है और उसके बाद 37 हम शाम को करेंगे। और आज आर्टिकल का वीडियो आएगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर का वीडियो नहीं आएगा आज। यस, दोनों में से कोई एक वीडियो ही आ पाएगा डेली। अब एक वीडियो को मैंने फिलहाल यहाँ पे स्किप कर दिया है। दोनों में से कोई भी एक वीडियो आएगा, या तो आर्टिकल या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर। यस, फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने आज के पड़ाव पर, जो कि है आपका सबसे पहला पड़ाव सेट नंबर 36 एमबी की बुक से। यस, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़रूरी भी आप लोगों के लिए। अब तक हम लोगों ने जितने सेट सॉल्व कराए, उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे अच्छे से खूब। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जब तो यहाँ सपोर्ट की आवश्यकता है आपकी। चैनल को हमारे खूब बड़ी मात्रा में शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। आप सभी के कम से कम 10-10 फ्रेंड ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो कम से कम आप उनको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर कब करोगे भाई। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ में, आपको शेयर करना बनता ही है। अब इतना अच्छा अच्छा डाटा आपके लिए हम ला रहे हैं निकाल कर। अब कल या परसों से, कल तो नहीं, परसों से आपके लिए वन वर्ड भी ला रहा हूँ मैं, परसों से या फिर तरसों से, 2 दिन बाद। वो भी ट्रिक से, आपको 2 मेथड सिखाए जाएंगे पढ़ाने के, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आप लोग अपने पास रखिएगा, एक एटाइमोलॉजी और एक वैसे ट्रिक। यस, फोनेटिक्स मेथड जो होता है उसको तरीके से बताएंगे, जो भी अच्छा लगेगा आप उसको दर्शाइएगा, अपने ऊपर अमल कीजिएगा उसको, जो भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का सेट, जो कि है पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। वह मंदिर जाता है, नहीं जाता है पैदल, बल्कि जाता है कार से। देखिए, यहाँ मेरी राय में दो मिस्टेक क्यों हैं। अगर वो मंदिर जा रहा है, यानी कि उसकी आदत है, क्योंकि वो पैदल नहीं जाता है, कार से जाता है, इसका मतलब उसकी मतलब डेली जा रहा है, तो इसका मतलब वो पूजा करने जा रहा होगा। और जितनी भी आपकी बिल्डिंग है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मॉस्क, टेम्पल और मार्केट, हॉस्पिटल, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग हैं जहाँ पर अगर आप वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है, अगर आपका मोटिव वही है जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है, तो आपको उससे पहले दा नहीं लगाना है। यस, जैसे कि आई गो टू द टेम्पल डेली, अगर मैं टेम्पल डेली जा रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा टारगेट जो है, मेरा मोटिव जो है, वहाँ वर्शिप करना है, पूजा करना है, प्रे करना है। तो यहाँ फिलहाल आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। अगर मैं वहाँ कुछ और करने जा रहा हूँ, आई गो टू द टेम्पल टू मीट पंडित जी को पंडित जी ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी से मिलने के लिए मंदिर नहीं बनाया, आप पंडित जी से कहीं और भी मिल सकते हैं, तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उसी लिए जब मैं कहना चाह रहा है कि ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार, तो यहाँ पे टेम्पल से पहले तो दा नहीं आना चाहिए। ही डिड नॉट गो टू टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। दूसरी जो मिस्टेक है यहाँ पर वो ये है कि जब आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले लगा हो बाय, क्या लगा हो बाय, जैसे कि बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय स्कूटर, कुछ भी कह लो आप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले जब लगा होगा बाय, तब आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा इन या ऑन लगा हो, तब आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, इन द कार, इन द टैक्सी,
ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऐसा आप कर सकते इस्तेमाल। यस, लेकिन आप बाइक के साथ में दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आगे हो। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, अगर कोई टैक्सी बिरादरी का है तो आप उससे पहले इन लगाएंगे, और कोई अलग है तो फिर ऑन लगाएंगे। इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जिस पे जिस वाहन पे चढ़ने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़े स्टेयर्स का, उसके लिए लगाएंगे आप ऑन, और जिस वाहन पे चढ़ने के लिए आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े उसके लिए आप लगाएंगे इन। हालांकि साइकिल के लिए भी आपको ऑन लगाना है, बिकॉज साइकिल के ऊपर बैठते हैं, बाइक के भी ऊपर बैठते हैं, स्कूटर के भी ऊपर बैठते हैं, इनके लिए भी आपको ऑन लगाना है, भले यहाँ पर स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता हमें। तो यहाँ कुल मिला के गलती दो पार्ट में आ चुकी है, एक तो बी पार्ट में और एक सी पार्ट में। हालांकि बुक वाले ने सिर्फ सी पार्ट में मिस्टेक बताई है, लेकिन यहाँ बी पार्ट में भी मिस्टेक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि सी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7, यानी कि वो थ्रोन पर यानी कि गद्दी पर, असेंड मतलब होता है चढ़ना या बैठना, वह गद्दी पर बैठ गई बहुत ही कम एज, 7 साल की उम्र में सिर्फ। यहाँ पे असेंड और डिसेंड के साथ में कोई भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ पे असेंड के साथ टू का कहना गलत हो जाएगा। असेंड के साथ में टू लगाना गलत हो जाएगा, यहाँ टू नहीं आएगा, बस असेंड आएगा खाली। शी असेंडेड द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7, यानी कि इसके भी बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ बी और सी दोनों में थी। मेरी बात समझ में आई ना आराम से? चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि नेहाज मदर वॉज एनॉयड विद हर एज शी कुड नॉट डैश हर एग्जामिनेशन। यहाँ प्रोग्राम है आपका फ्रेजल वर्ब डिपेंड, गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट अपॉन, गेट थ्रू। यस, यहाँ पे अलग अलग फ्रेजल वर्ब के अलग अलग मीनिंग हैं। देखते हैं क्या मतलब है। पहला जो है वो आपका गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना या कहीं से चल देना। गेट ऑफ, एक वेंगा बॉयज का गाना भी था, गेट ऑन और गेट ऑफ, ये दो वर्ड होते हैं आपके, गेट ऑन और गेट ऑफ। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना किसी वाहन पे, और गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना किसी वाहन से। यस, किसी वाहन पे से उतरना, किसी वाहन पे चढ़ना, गेट ऑन, गेट ऑफ। यहाँ गेट ऑन, गेट ऑफ दोनों ही हैं, तो दोनों को समझ गए आप। अगला है आपका गेट थ्रू, गेट अपॉन का भी मतलब वही हो जाएगा जो गेट ऑन का है, इसलिए सेम रखें। उससे अगला है आपका गेट थ्रू, गेट थ्रू, THROUGH। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना या फिर किसी काम को पूरा करना, गेट थ्रू। चलते हैं, नेहाज मदर वॉज एनॉयड विद हर, नेहा की मम्मी थी उससे नाराज, एज शी कुड नॉट डैश हर एग्जामिनेशन, उसने अपना एग्जामिनेशन को गेट ऑफ चढ़ना, सॉरी उतरना, चढ़ना, चढ़ना, पूरा ना करना, तो पूरा ना करना का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ सिर्फ डी से आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये है आपकी फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब का यही तरीका है आपको करने का। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें आपको फ्रेजल वर्ब के अपने नोट्स भेज दूंगा। मैं ये लिंक, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक उसमें ही है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और टिकटॉक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसकी आईडी है SAURAV सौरभ जैन 88। इसका लिंक मुझे भेजना नहीं आया, कैसे भेजते हैं। आई शैल डैश हर इफ़ शी अपोलोजाइज टू मी टू हर मिसबिहेवियर, यानी कि मैं उसे डैश कर दूंगा यदि उसने माफ़ी मांग ली अपनी गलती के लिए मुझसे। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि उसे माफ़ कर देगा। यस, हम यहाँ पे पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा करना, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, पनिश मतलब दंड देना, रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना। लेकिन पार्डन और फॉरगिव में छोटा सा अंतर है, वो अंतर क्या है, पार्डन का मतलब होता है किसी को किसी सजा से क्षमा करना, लाइक मान लीजिए किसी को सजा दी गई कि 5 साल की जेल की सजा देती है, तो उससे किसी को क्षमा करना पार्डन, और फॉरगिव मतलब छोटी मोटी बात के लिए किसी को क्षमा करना, तो फॉरगिव। इसलिए इन दोनों अंतर यहाँ पर फॉरगिव आएगा। चलते हैं वोकैबुलरी पे, वोकैबुलरी में आ गए हम सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स का पहला वर्ड है आपका एबुलियंट, एबुलियंट का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, पूरे जोश से भरा हुआ। ऑप्शन है इसका डिसीटफुल, डिसीट से बना है डिसीटफुल, यानी कि धोखेबाजी से भरा। अगला है इनसिंसियरिटी, यानी कि सिंसियरिटी बोलते हैं समझदारी, ईमानदारी, इनसिंसियरिटी जिसके अंदर समझदारी ईमानदारी ना हो, यानी कि बेईमानी। उससे अगला है एंथुजिस्टिक, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ। उससे अगला वर्ड आपका प्रिजुडाइज, पूर्वाग्रह, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट भी बड़ा प्यारा वर्ड है जिसका मतलब होता है उग्र, यानी कि बहुत हिंसक, फेरोसियस, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उससे अगला वर्ड है लग्जीरियस, स्वादिष्ट,
उसका अगला है लेसीशियस का मतलब भी स्वादिष्ट, लग्जीरियस मतलब आनंद में, और डिलीस मतलब स्वादिष्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरोसियस। उससे अगला वर्ड है आपका निगार्डली, निगार्डली मतलब कंजूस। यस, उससे अगले वर्ड है हमारे पास में, पहला वर्ड है मिंगी, मिंगी मतलब कंजूस। इन इफ़िशियंट यानी कि जो एफिशिएंट यानी कि कामगार ना हो, फायदेमंद जिसको बोलते हैं। जीनियस मतलब उदार, और सिनफुल मतलब पापी, तो इसका आंसर हो जाएगा जीनियस। उससे अगला वर्ड है आपका डिसीडेंट, डिसीडेंट मतलब किसी काम में मतभेद पैदा करने वाला कोई व्यक्ति। पहला ऑप्शन है आपका एलिनेटेड यानी कि विमुख होना, किसी के सामने आना। आइकोनोक्लास्ट जो मूर्ति भंजक जिसको बोल सकते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा को वगैरह ना मानने वाला या परंपरा को ना मानने वाला। उससे अगला वर्ड आपका डिविजिव, ये भी हो गया आपका विभाजन पैदा करने वाला। ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर किसी चीज़ का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्थोडॉक्स। इडियम्स हैं आपके, अब स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम है बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब होता है किसी की मुट्ठी गर्म करना। बियर मतलब कह दीजिए मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बियर द पाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, टू मीट दैट, टू बी एबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, टू विन। अच्छा, मैंने सर गलती कर दी, मैंने ग्रीस द पाम था एक इडियम, तो उसको मैं पढ़ के चला गया गलती से। ग्रीस द पाम होता है मुट्ठी गर्म करना किसी की, तो बियर द पाम का होता है जीतना। माफी चाहूँगा गलत जानकारी देने के लिए, वो कन्फ्यूज़ होगा थोड़ा सा पाम पाम में। टू विन, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू यानी कि किसी गलत व्यक्ति का उसका बकाया चुकाना। टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन यानी किसका आंसर हो जाएगा बी, नाइन्थ का डी, टेंथ का बी आंसर हो जाएगा। अभी एक सेंटेंस यहाँ पर आया है, सेंटेंस नंबर 11, जो कि आपका ग्रामर बेस्ड। नो सूनर द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन्स अपीयर्ड देन देयर वॉज अ रश ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट फॉर प्री बुकिंग द सेम। सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है नेगेटिव वर्ड से, पहले भी कई बार बताया है, पहले भी कई बार आ चुका है सेंटेंस, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, ये सब कुछ पहले कई बार आ चुका है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो नो सूनर से, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। सबसे पहली बात तो यही है, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी ये देख लीजिएगा। नो सूनर के बाद दो तरह के हेल्पिंग वर्ब आया करते हैं, एक तो डिड और एक हैड। अगर डिड आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हैड आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। डिपेंड करता है कंडीशन पर। नो सूनर के साथ में ये भी गलत है, क्योंकि शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, जो दिया हुआ वो भी गलत है, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो जाएगा। नो सूनर के साथ डिड आया है, द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड, ये सही हो सकता है, क्योंकि अगला जो ऑप्शन है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद नहीं है, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको बी ही लगाना होगा ऑप्शन, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी, उसमें भी द एडवर्टीजमेंट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा बी सही, और इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ये रहा सेंटेंस नंबर 12। द इक्विपमेंट क्या कह रहा है इसको देखते हैं। द इक्विपमेंट इज अडॉप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्रीज, यहाँ फिर से वोकैबुलरी बेस्ड था प्रोग्राम। अडॉप्टेड का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये तीन वर्ड होते हैं, जैसे पहला वर्ड है आपका अडॉप्ट ADOPT, दूसरा है अडॉप्ट ADAPT, तीसरा है अडेप्ट ADEPT। लगभग लगभग सेम मीनिंग देते हुए, सेम मीनिंग तो नहीं, सेम स्पेल देते हुए। अडॉप्ट मतलब तो पूरी दुनिया को पता है, यानी कि गोद लेना। उससे अगला है अनुकूल बनाना, अपने हिसाब से, अपने अनुसार। और उससे अगला है एक्सपर्ट यानी कि निपुण, गोद लेना, अनुकूल बनाना, निपुण। याद कर ले, कुछ लोग बच्चों को गोद लेकर उसे अपने अनुकूल बनाने में निपुण होते हैं, ऐसा रख लें, नहीं तो ई से रख ले, ये है ई से एक्सपर्ट, ई से एक्सपर्ट, ये तो पहले से पता होता है सबको, ये मैंने बता दिया, ये अपना याद हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब प्रोग्राम हो गया है। द इक्विपमेंट इज अडॉप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्री, द इक्विपमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम, अडॉप्टेड फॉर, अडॉप्टेड ऑफ, नो इम्प्रूवमेंट। द इक्विपमेंट इज अडॉप्टेड फॉर, फॉर का मतलब होता है किसी उद्देश्य या पर्पज़ के लिए। द इक्विपमेंट इज अडॉप्टेड फॉर कॉटन इंडस्ट्री,
तो यहाँ पे जो है इस इक्विपमेंट को जो है कॉर्न इंडस्ट्री के लिए उसके अनुकूल बनाया जा रहा है, कॉर्न इंडस्ट्री के लिए अनुकूल बनाया जा रहा है ये कहना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी अडाप्टेड फॉर। अगला वर्ड है आपका 13, वन वर्ड, वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, यानी कि जहाज से सामान ढोने का काम करने वाला। पहला वर्ड स्टीव डोर, यानी कि जहाज कुली। ट्रांसग्रेसर अपराधी, लैपिडिस्ट पशु चिकित्सक, और रेटिसेंट अल्पभाषी जो कम बोलता हो, इसका आंसर हो जाएगा स्टीव डोर। बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के बिल्कुल विरुद्ध हो। पहला वर्ड है इन्वोकेशन, किसी का गुणगान करना, स्तुति करना। इनकोग्निटो अज्ञात, गुप्त, हेयरसे अपधर्म, और मर्सिनरी यानी कि किराए का सेना, यानी कि पैसे के लिए कुछ भी करने वाला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला फिर वही वोकेबलरी बेस्ड, आपको बताना है कौन सी स्पेल यहाँ पे मिसप्रिंट है या फिर गलत है। पहला वर्ड है टुमोरो, TOMORROW, ये ठीक है। अक्यरेंस OCCURRENCE, यहाँ पे RR दो बार आना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर बी सही होगा, बी की स्पेल गलत है। टेम्परेचर ये भी ठीक है, प्रेफरेबल ये भी ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। उससे अगला है आपका रिसीडिंग, RECEDING, दो बार ई की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, रिसीडिंग में डबल ई नहीं आएगा। सिमेट्री ठीक है, पैरेललोग्राम ठीक है, रिहर्सल भी ठीक है, यानी कि इसकी स्पेल हो जाएगी गलत, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा ए। PQRS जैसे कि हम लोग रोज करते हैं, आज भी करेंगे, पहले पढ़ेंगे ऑप्शन फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। ऑप्शन में पी भी है, क्यू भी है, एस भी है, आर नहीं है, यानी कि तो पी से या फिर क्यू से या फिर एस से आर हमें नहीं पढ़ना है। यस चलते हैं। इफ़ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेजेस आर सेटिस्फाइड देयर बाय इटसेल्फ, देन द पीजेंट्स विल यूजफुली यूटिलाइज देयर स्पेयर टाइम। लेट अस कंसिडर द विलेज आर्टिसंस, ये तो पढ़ना ही नहीं है। हैविंग डिस्कस द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल लाइफ, जो भी होगा यहाँ पे एस पी पी क्यू। बस तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इफ से स्टार्ट हो जाना चाहिए सेंटेंस, कोई आपत्ति मुझे नहीं नजर आ रही है। इफ़ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेज आर सेटिस्फाइड देयर बाय इटसेल्फ, देन द पीजेंट विल यूजफुली यूटिलाइज देयर स्पेयर टाइम। हैविंग डिस्कस द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल लाइफ, लेट अस कंसीडर द विलेज आर्टिसन, ये भी बन सकता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हैविंग डिस्कस द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल लाइफ, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद में और रिक्वायरमेंट जानने के बाद में देहाती जीवन की, गांव के जीवन की। लेट अस कंसीडर द विलेज आर्टिसन, फिर हमें विलेज के आर्टिसन के बारे में कंसीडर करना चाहिए। इफ़ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज आर सेटिस्फाइड देयर बाई इटसेल्फ, देन द पीजेंट्स विल यूजफुली यूटिलाइज देयर स्पेयर टाइम। दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द एजुकेटेड पीपल ऑफ द विलेजेस। एस क्यू पी आर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका ए मेरी राय में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस के ऑप्शन है हमारे पास आर आर क्यू क्यू, तो ये तो आर या फिर क्यू, ये तो कन्फर्म है। दीज स्कूल्स नीड नॉट नेसेसरली हैव देयर ओवन फार्म्स बिकॉज द विलेज इटसेल्फ विल प्रोवाइड एम्पल फील्ड वर्क फैसिलिटीज। एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपल्सरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, स्कूल की बात बाद में होगी, क्योंकि दीज स्कूल वे स्कूल कौन से स्कूल ये नहीं जिक्र हुआ है, तो यानी कि तो कन्फर्म है कि आर पहले आएगा। आर आर से दो सेंटेंस है तो बी एस सी, यानी कि ए और डी आपका रेस से बाहर हुए। एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपल्सरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, अल्टरनेटिवली द अर्बन स्टूडेंट्स कैन बी टॉट टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल प्लानिंग ETC। प्रैक्टिकल फार्मिंग इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग। देखिए यहाँ पर बात हो रही है फार्मिंग की, यस प्लानिंग की, खेती बाड़ी की, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा आप आर के बाद पी लगाएं, क्योंकि आर के बाद एस से कोई मतलब नहीं बढ़ता। देयरफॉर एट दिस स्टेज ओनली थ्योरेटिकल एजुकेशन फॉर द विलेज स्टूडेंट वुड सफाइस। थ्योरेटिकल नॉलेज की बाद में आएगी, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो जाए क्यों, इसलिए सबसे लास्ट में पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरेटिकल। तो यानी कि आर के बाद पी फिर क्यू फिर एस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव से प्रोसीजर है एक सेंटेंस, अभी भी कई बार आ चुके हैं। आई सॉ हिम लिविंग द मूवी थिएटर, यहाँ पे एक ग्रामेटिकली बात भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है
सी के बाद, यानी सी खुद चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सी खुद चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन अगर सी के बाद दूसरी वर्ब आ रही है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, और अगर वॉच के बाद दूसरी वर्ब आ रही है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि आई सॉ हर डांसिंग, और आई वॉच्ड हर डांस। मेरी बात समझ में आई ना आपको? इसलिए यहाँ पे सी के बाद आईएनजी लगाई गई है। आई सॉ हिम लिविंग, यस। अब यहाँ पे आप जेरंड के से भी बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। अगर आप इससे बनाएंगे तो ही शुरू में आ जाएगा, सेकंड फॉर्म में वॉज वर आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म लिविंग अपनी जगह रहेगा, बाकी सब कुछ अपनी जगह रहेगा, ये बाई में लास्ट में आ जाएगा। अगर आप लिविंग से बना रहे हैं तो आपको बींग प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा, बींग प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में ये देख लीजिएगा। लिविंग टू द मूवी बींग नहीं है, बींग यहाँ पर भी नहीं है, और बींग यहाँ पर भी नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी से बनने का अधिकार है, आप किसी और से नहीं बना सकते। ही वॉज सीन लिविंग द मूवी थिएटर बाय मी, यानी किसका आंसर हो जाएगा ए। द प्रिंसिपल सैड बी क्वाइट गर्ल, प्रिंसिपल ने कहा शांत रहो लड़कियों। द प्रिंसिपल कॉल्ड द गर्ल एंड ऑर्डर्ड देम टू बी डैश, जो भी आगे होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड बी क्वाइट, द प्रिंसिपल कमांडेड द गर्ल दैट दे बी क्वाइट, आंसर हो सकता है सेंटेंस का, अच्छा ऑप्शन है। द प्रिंसिपल अर्ड द गर्ल टू बी क्वाइट, ये ठीक है, पक्का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस टू से कनेक्ट होता है, दैट से नहीं, इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा। चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। कह रहा है कि मॉडर्न मैन इज इम्प्राइजन बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। मॉडर्न मैन जो है आज घिरा हुआ है अपने टाइम टेबल से और अपने रूटीन से। हिज लाइफ इज ऑल केयर्स एंड डैश, ही डज नॉट हैव डैश फॉर एनीथिंग बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन फॉर डैश मनी। मैन इन ऑल डैश मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज एंड इंडीज वी इन इंडिया मे नॉट हैव, जो भी आगे। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर दूँ जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए, दिखाई भी दे पूरा, दिख रहा है ना अच्छे से? यस, बीन डैश बाय इट टू द एक्सटेंट दैट पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन। मॉडर्न मैन इज इम्प्रेसन बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। हिज लाइफ इज ऑल केयर्स, केयर्स का मतलब इसी के जैसा आपको वर्ड ढूंढना होगा, केयर्स से ही जुड़ा हुआ, जो कि आपका विजडम, बुद्धिमानी, सफलता, चिंता और चिंता, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं, यानी कि इसका आंसर सी भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है, जो आपका मन करे वो। यस, हालांकि इसको तो डाउट है लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। ही डज नॉट हैव डैश फॉर एनीथिंग, उसके पास डैश नहीं है किसी भी काम के लिए, रिसोर्सेज, संसाधन, टाइम, मटेरियल, मनी। यस, बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन फॉर डैश, लेकिन उसकी ड्यूटीज़ और ऑक्यूपेशन जो है सब किसके लिए है? पैसों के लिए। किसके लिए है? पैसे कमाने के लिए, फॉर मेकिंग मनी। यानी 23 का हो जाएगा आपका ए। मैन इन ऑल डैश मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज एंड इंडीड वी इन इंडिया मे नॉट हैव डैश बीन। चलिए, स्फीयर्स, स्ट्रीम्स, एरियाज, एजेस। एजेस का मतलब युग, स्ट्रीम मतलब साइंस एड वगैरह जो कोर्सेस हम पढ़ते हैं उसको, एरियाज मतलब क्षेत्र, स्फीयर्स मतलब होता है कोई भी, जैसे कि किसी भी स्फीयर्स में घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो यहाँ पर लगा सकते हैं मैन इन ऑल स्फीयर्स भी लगा सकते हैं, और आप एरियाज भी लगा सकते हैं, यानी कि ए और सी इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं करेक्ट। मैन इन ऑल स्फीयर्स या फिर मैन इन ऑल एरियाज मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज एंड इनडीड विन इंडिया मे नॉट हैव बीन डैश, हमें नहीं होना चाहिए इससे क्या, इन्फ्लिक्टेड मतलब किसी चीज़ से पीड़ित होना, किसी चीज़ से पीड़ित होना। इन्फेक्टेड मतलब होता है संक्रामित होना किसी रोग वगैरह से, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उससे, और अकम्पेन तो यहाँ पर मतलब ही नहीं बैठता साथ में किसी चीज़ के लिए। हालांकि बाय को देख करके बच्चा लगा सकता है लेकिन जरूरत नहीं है, पैसिव का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर आ रहा है, और एसोसिएट तो एक सलाह नहीं होगा बिकॉज बीन भी है, थर्ड फॉर्म चाहिए, बाय से पहले भी थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए एसोसिएट यहाँ पर नहीं आएगा। इन तीन में से कोई कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन इन्फेक्टेड किसी बीमारी से संक्रमित होना, अकम्पेन बाय साथ में, तो यहाँ पर मीनिंग साथ का नहीं है, इन्फेक्टेड ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा ऑप्शन। तो ये था आपके आज के सेट का सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन समझ में आया होगा, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एमबी की बुक से, आप उस सब का नोट्स बनाते चलें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी मैंने आपको शुरू से पढ़ाया उन सभी को आप एक अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार वाली बात, गेट ऑफ गेट ऑन, जो भी मैंने आपको बताया सबके नोट्स बना लीजिए, और हमें टेलीग्राम ग्रुप पर आज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जिससे कि मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड करा सकूँ। आप मुझे रिमाइंड भी कराते रहे करें बिकॉज मैं भूल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मुलक्का टाइप हूँ, बस मुझे रूल से याद रहते हैं, मुझे बस
यही याद रहता अपना काम बस, इसके अलावा सब कुछ भूल जाता हूँ मैं, तो मुझे याद दिला दीजिएगा आप। मैं यहाँ पर आपको भेज दूँगा नोट्स, जो भी मुझे लगेगा भेजने लायक है भेज दूँगा मैं आपको। यस चलिए फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमॉरो, शब्बा, गुड नाइट।